तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज किस वाले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अपने पास ऑलरेडी 7 आर्मर रिमेंट, बाकी के 9 बचे आर्मर रिमेंट हम कलेक्ट करने वाले हैं, जिसमें के 21 अपने पास अपग्रेड है, फिर वॉर्ड वाला हो गया, वैक्स वाला हो गया है, फिर स्प्रिट वार, स्पायर वार, स्पीर स्पायर, वॉट एवर जो भी लिए हमको एंड सिटी में से मिलता है, फिर वोड वाला है। तो ये कौन सा है? ओके, ये स्नाउट है। ठीक है ठीक है, समझ गया। ये शेपर है जो कि हमें ट्रायल रूइंस में से मिलता है। फिर ये ड्यून हो गया जो कि हमें डेजर्ट विले टेम्पल्स में से मिलता है। ये वाला है कोस्ट जो कि हमें क्या बोलते हैं, शिपरेक में से मिलता है। ठीक है, इतने हो चुके हैं। तो 3, 3, 6 और 7 अभी भी अपने पास बचते हैं। कितने पता है गाइस? 9 आर्मर ट्रिम अभी भी बचे हुए जिसको हमें कलेक्ट करना बाकी है। तो चलो आज की इस वाली वीडियो में हम सिंपली क्या करने वाले, सारे के सारे आर्मर ट्रिम को हम कलेक्ट करने वाले हैं। एंड अभी तक चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर देना। एंड देखो, मैंने सारे के सारी चीजें भी मतलब कलेक्ट कर ही ली है, जो भी मुझे चाहिए वो सारी की सारी चीजें। तो देखे इसमें सारे के सारे मतलब रॉकेट होने वाले हैं, फिर जो बचती है ये वाली। तो इसमें मैंने नाइट विजन के पोर्शन लगा रहे, आप लोगों को पता है हमें एंड सिटी में भी जाना पड़ेगा साइलेंट आर्मर ट्रिम की वजह से। एंड उसका जो चांस होता है 1.2% होता है, तो आई थिंक सो हमें काफी ज्यादा एंड सिटी भी घूमनी पड़ सकती है। इसलिए मैंने काफी सारे स्प्लैश पोर्शन ऑफ क्या बोलते हैं अपने नाइट विजन बना लिए, थोड़े बहुत टोटम है अगर मरने का मतलब वो हुआ तो वो। एंड एक कैंप इन्वेंटरी में एंड एक ऑफ एंड में, मतलब हमारे अपने पास 5 टोटम है। थोड़े बहुत खाना है, एक मैंने अलग से इलेक्ट्रा भी कर लिया लाइक बीच में अगर जरूरत पड़ेगी तो। फिर वाटर ब्रेकिंग तो प्रोशन है क्योंकि हमें ओशन मॉन्यूमेंट में भी जाना पड़ेगा, कि आप लोगों को याद होगा तो, याद होगा तो हमें ओशन मॉन्यूमेंट में एल्डर गार्डियन से मारने के भी मतलब एक आर्मर ट्रिम मिलता है। फिर थोड़े बहुत ऑब्सिडियन फिल्डन सीन लाइक नेदर पे जाके थोड़े बहुत ब्लॉक दूर जाके हम वहाँ पे पोर्टल ओपन करेंगे, एंड वहां से लाइक सारे के सारे न्यू ही वो आएंगे अपने मतलब चंक्स लोड हो गए, तो सारे के सारे चीजें न्यू मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, ये है अपना क्या बोलते हैं TNT एंड सैंड, जो कि बेसिकली हमें जब हम ओशन मॉन्यूमेंट में जाएंगे तब काम लगेगा, ताकि अगर एल्डर गार्डियन हमें माइनिंग फटिक भी दे दे तो भी हम TNT एंड सैंड का यूज करके हम बाहर निकल पाए। ठीक है, एंड थोड़े बहुत आयरन मैंने और भी रख लिया इनकेस अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, तो ये सारी की सारी बेसिक चीजें है जो हमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये मैंने रख ली है। अभी सीधा ही चलो, सबसे पहले तो क्या करते हैं हम चलते हैं नेदर में। ओके, तो गाइस नेदर पोर्टल बन चुका है एंड हम सीधे ही चलते हैं ओवरवर्ल्ड में। ओके, तो गाइस हमें हमारी पहली चीज मिल चुकी है जो कि पिलेजर आउटपोस्ट। एंड एक बारी के लिए मैं आप लोगों को ऊपर जाके इस वाले मतलब चीज का नजारा दिखाता हूँ, आप लोग देख के खुश हो जाओगे। देखो ये वाली चीज देखो, मतलब रुको एक मिनट, मुझे थोड़ा बहुत और ऊपर जाने दो। ओके, ये वाली चीज देखो, पूरी की पूरी चारों ओर माउंटेन का रीजन है, एंड बीच में थोड़ी सी जगह मतलब जहां से छोटा सा जंगल, एंड पास में ये विलेज है जो कि विलेज देखो मतलब पूरी की पूरी यहाँ से पहाड़ से होते हुए वहां तक इसके वो लास्ट घर जा रहे हैं पानी के बीच में। तो ये वाली चीज मस्त है। एंड जस्ट इसके पीछे ही है कहाँ पे गया, पिलेजर आउटपोस्ट जो कि ये रहा। तो चलो अब हम अपनी किस्मत आजमा मतलब किस्मत को आजमाते, क्या हमें यहाँ पे वो चीज मिलेगी जो हमें मतलब हम यहाँ पे लेने आए हैं वो वाली चीज। तो लाल ठेंगा, यहाँ पे कुछ नहीं है गाइज, कुछ मतलब कुछ मींस कुछ नहीं है। एंड एक तो ये मिलते ही मतलब बड़ी ही उससे मिलते हैं लाइक उसको इसको ढूंढने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एंड ऊपर से ये मिले तो इसमें है भी कुछ नहीं। तो चलो अभी मैं वापस से ढूंढने के लिए लग जाता हूँ, एंड आप लोग और थोड़ा सा वेट कर लो, मतलब आपके लिए तो 1 सेकंड की मतलब देरी है बट ठीक है। ओके गाइस, तो पहला एल्डर गार्डियन हमको मिल चुका है। ओके, तो गाइस मैंने लाइक 3 एल्डर गार्डियन थे, तीनों के तीनों को मार दिया, एंड स्टिल मुझे कुछ नहीं मिला है, कुछ कुछ मींस कुछ नहीं मिला है। तो चलो अभी वापस से लगते हैं दूसरे किसी स्ट्रक्चर के खोज में, या तो फिर ओशन मॉन्यूमेंट, क्योंकि मैंने तीनों के तीनों को मार दिया फिर भी कुछ नहीं मिला। तो आई थिंक सो मुझे ओशन मॉन्यूमेंट भी 2-3 ढूंढने पड़ेंगे, उसके बाद जाके कुछ होगा। तो चलो मैं वापस से ढूंढना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है गाइस। ओके गाइस, तो मैं इस वाले जंगल बायोम में आ चुका हूँ, बस अभी मैं नीचे उतर के देख रहा हूँ कि लाइक यहाँ पे कहीं पे है, क्योंकि ऊपर से कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो फिर ठीक है, व्हाट द हैक। अच्छा, वरना मैंने मुड़ के मतलब देखा, वरना मैं इसको मिस कर देता। एंड ओके, ये तो ऊपर से दिख भी सकता है, मैं बेकार में मतलब नीचे आके कब से यहाँ पे यहाँ वहां घूम रहा था। ओके, तो ये बढ़िया बात हो चुकी है, हमें हमारा पहला जंगल टेम्पल मिल चुका है एंड हम उसके अंदर घुसने वाले हैं। आई होप
कि हमें मिल जाए। एंड मैं कौन सा है, मतलब यहाँ पे उससे घुस रहा हूँ। ओके यहाँ पे कहीं पे ट्रैप वगैरह भी होता है राइट। एंड ओके ट्रैप से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें बस चाहिए अपना। ओके ट्रिम भी चाहिए एंड उसके लिए ये। ओके यस नाइस यस गाइस, हमें हमारे दो ट्रिम मिल चुके हैं। तो अभी के लिए हमारी एक मुसीबत सोल्व हो चुकी है, जो कि हमें जंगल पिरामिड को ढूंढना, एंड जो कि वही काफी ज्यादा बड़ी लाइक मुश्किल होती है, क्योंकि ये मिलना कुछ ज्यादा ही मतलब माथा कुट का मतलब सर दर्द वाला काम है। बट हमें फॉर्चुनेटली हमको काफी ज्यादा मेहनत के बाद अपना पहला आर्मर ट्रिम मिल चुका है, जो कि है आई थिंक सो कौन सा है, वाइल्ड आर्मर ट्रिम। ठीक है तो उसको सबसे पहले हम डालते हैं अपने शल्कर बॉक्स में। तो चलो अगेन वापिस से आर्मर ट्रिम्स एंड स्ट्रक्चर्स को ढूंढना स्टार्ट कर दे। लाल यस यस गाइस, यस यस यस, निकलो यहाँ से, यहाँ से निकलो, क्योंकि हमें अपना आर्मर ट्रिम मिल चुका है एंड उससे बढ़ के हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है गाइस चलो जल्दी से यहाँ से बम को मतलब TNT को फोड़ते हैं एंड यहाँ से निकलते हैं बाहर। अभी हमको ये वाला भी मिल चुका है, देखो ये रहा अपना टाइड आर्मर ट्रिम। ठीक है तो दो आर्मर ट्रिम मिल चुके हैं, अभी भी 7 बच रहे हैं, जिसमें से एक हमको मिलेगा नेदर में एंड एक मिलेगा हमको क्या बोलते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड में, जिसके लिए हमें न्यू स्ट्रॉन्ग होल्ड फाइंड करना पड़ेगा। एंड बाकी के 3 बचते हैं, वो मिलेंगे हमें ट्रायल रेंज में। एंड एक और बचता है जो कि हमें मिलेगा क्या बोलते हैं पिलेजर आउटपोस्ट पे। ठीक है तो चलो इनको भी ढूंढना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं जो मुझे जो जी मतलब जो भी चीज मिली है उसको मैं शल्कर बॉक्स में रखवाता हूँ एंड वापिस से ढूंढना स्टार्ट करते हैं। ठीक है गैस। ओके गैस, तो हमें एक और अपना ट्रिम मिल रहा है यहाँ से। आई होप सो ये रिपीट ना होए, जो मतलब मेरे पास है आई थिंक सो रिपीटेड ही है, जो मतलब मेरे पास पहले से है वो वाला शेपर्ड। कोई बात नहीं, ठीक है अभी वापस से मतलब दूसरे आर्मर ट्रिम को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। लगे हाथ में नेदर पोर्टल बना के नेदर में चला गया, वहां से ब्लेजर रोडी का अटैक करके लाया एंड फिर निकल गया स्ट्रॉन्गहोल्ड की खोज में, ताकि मुझे वहां से भी एक आर्मर ट्रिम मिल सके। उसके बाद मुझे स्ट्रॉन्गहोल्ड से दो आर्मर ट्रिम मिल जाते हैं, उसके बाद मैं सीधा निकल जाता हूँ एनसीटी की खोज में। उसके बाद पास ही में मुझे एक एनसीटी मिल जाती है एंड मैंने काफी सारी चेस्ट लूटे एंड लग के लिए मुझे एक चेस्ट में से साइलेंट आर्मर ट्रिम मिल भी गया। इलेजर आउटपोस्ट को लूट के मैं इलेजर को रिपेयर कर ही रहा था कि तभी मुझे चेरी ग्रोव वायम भी मिल गई थी। फिर मैंने होप छोड़ी दी थी कि तभी मुझे एक और न्यू पिलेजर आउटपोस्ट मिल जाता है, लकीली उसमें से मुझे सेंट्री आर्मर ट्रिम मिल जाता है। फिर उसके बाद मैं वहां से निकल गया सीधा नेदर पोर्टल बना के नेदर की ओर लास्ट आर्मर ट्रिम कलेक्ट करने के लिए। ऑल राइट गाइस, तो मैं सब कुछ चीजें मतलब सारी की सारी चीजें कलेक्ट करके आ चुका हूँ एंड बीच में चेरी ग्लो बायोम भी मिली थी न्यू वाली, तो मैंने लगे आज मतलब वहां से वुड एंड थोड़ी बहुत सेपलिंग भी कलेक्ट कर ली एंड एक सेपलिंग यहाँ पे एंड एक सेपलिंग यहाँ पे लगा दिया, मतलब जस्ट देखने के लिए। ठीक है एंड बाकी के सारे मैंने मतलब जो भी ट्रिम थे वो सारे के सारे कलेक्ट कर लिए है। एंड ये जो लाइक आउटरो है वो मैं 2 दिन के बाद कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बीच में काम आ गया था इसलिए। एंड इसमें से एक आर्मर ट्रिम जो कि मतलब रिब आर्मर ट्रिम है वो मुझे लाइव स्ट्रीम पे भी मिला था, तो आप चैनल पे जाओ एंड वो लाइव स्ट्रीम भी मतलब चेकआउट कर सकते हो। ठीक है गाइस तो चलो सबसे पहले तो मैं सारे के सारे लास्ट मतलब आर्मर ट्रिम को आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है तो 1 2 3 गो, ठीक ये हो गए अपने सारे के सारे आर्मर ट्रिम एंड 21 हो गए अपग्रेड। ठीक है बाकी के लेके स्मिथिंग शेपर वाले 4 है, फिर सेंट्री, फिर ये सारे के सारे। ठीक है तो इसमें वोड वाले भी अपने पास 4 है, कोस्ट वाले भी 4 है, फिर ड्यून वाले 6 हैं, फिर स्नाउट वाले 9 है। ठीक है तो इसमें से मैं स्नाउट एंड ड्यून को ज्यादा मतलब हमें मतलब ज्यादा नहीं मतलब उसको हमें ड्यूप करना ही नहीं पड़ेगा। फिर कोस्ट हो गया, फिर वोड हो गया, फिर सेपर हो गया, इन सभी को मुझे एक एक बार करना पड़ेगा। ठीक है मतलब ड्यूप, फिर ये वे फाइंडर को 2 बार, बाकी के जो मतलब उस हिसाब से। एंड सबसे ज्यादा जो रेयर है वो है साइलेंट आर्मर ट्रिम, जिसके मिलने के चांसेस होते हैं 1.2% एंड लग गया था वो हमें पहली एंशिएंट सिटी में से मिल गया, जो अपने लिए बढ़िया बात हो गई, वरना हमें इसके चक्कर में काफी ज्यादा दूर तक जाना पड़ता है एंड काफी ज्यादा मतलब एंशिएंट सिटी को भी ढूंढना पड़ सकता है। बट बाय द वे जो भी हमें लाइक हो गया सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, इन सारी की सारी चीजों को कलेक्ट करने में मुझे कम से कम 6 घंटे लगे एंड ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को 8 से 10 मिनट में बताने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग लॉन्ग वीडियो देखते नहीं हो। ठीक है गाइस तो आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों को किसी ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।